गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह. हमारा जो टॉपिक चल रहा था साइकोलॉजी और पेडागॉजी के अंदर, ये वाला टॉपिक जो था हमारा इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के ऊपर था. इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर मैं आपके साथ बहुत सारे इसके जो थ्योरीज है वो डिस्कस कर चुकी हूँ. वन फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, थ्री फैक्टर थ्योरीज, तो आप प्रीवियस वीडियोस में वो सारी थ्योरीज देख सकते हैं. आज की जो हमारी थ्योरी है वो है बहुआयामी व सात बुद्धि सिद्धांत, यानी कि सेवन, इसको सेवन इंटेलिजेंस थ्योरी भी बोलते हैं और मल्टीपल थ्योरी भी बोलते हैं. एक थ्योरी मैंने आपको पहले करवाई थी जो मल्टी थ्योरी थी, ओके, जो थ्रॉनडाइक ने दी थी, वो थी मल्टी, ओनली मल्टी थ्योरी जो हमारी थ्रॉनडाइक ने दी थी, और ये है मल्टीपल, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है. ये हमारी गार्डनर ने दी है. इसके प्रतिपादक कौन है? मल्टीपल थ्योरी के गार्डनर. तो आप याद रखिएगा, अगर केवल मल्टी थ्योरी आपसे पूछा जाए तो वो हमारी थ्रॉनडाइक की दी हुई है, और मल्टीपल पूछा जाए तो वो हमारी गार्डनर की है, ओके. अब इसके अंदर क्या बात बोली थी कि ये गार्डनर जी ने ये वाली थ्योरी दी थी, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया था कि ये थ्योरी क्या है? इसके अंदर बोला गया था कि बच्चे के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर जो हमारी इंटेलिजेंस होती है वो केवल एक रूप में नहीं होती है, एक टाइप की नहीं होती है, उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स इंक्लूड होते हैं हमारी इंटेलिजेंस के अंदर. मतलब अगर हाँ, अगर मैं कुछ मैथमेटिकली सम सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरी वहाँ पे कैसी इंटेलिजेंस थ्योरी है, वहाँ पे किस टाइप की इंटेलिजेंट है कि मैं कुछ इक्वेशन सॉल्व कर रही हूँ, राइट, वहाँ पे अलग हो गई. और मैं कुछ हिंदी व्याकरण रिलेटेड कुछ लर्न कर रही हूँ या वहाँ पे कुछ शॉर्ट आउट कर रही हूँ, संधि छेद कर रही हूँ, तो वहाँ पे मेरी भाषागत थ्योरी, भाषागत इंटेलिजेंस हो गई. मैं अगर साइंस के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रही हूँ, वहाँ पे केमिस्ट्री बायोलॉजी इन सब के कॉन्सेप्ट को समझ रही हूँ, तो वहाँ पे वैज्ञानिक तौर पे मेरी इंटेलिजेंस हो गई. तो इसीलिए हमारे जो गार्डनर जी थे उन्होंने सेवन थ्योरीज के अंदर सेवन कॉन्सेप्ट्स रखे थे कि किसी भी व्यक्ति के अंदर सेवन टाइप ऑफ थ्योरीज होती हैं, सेवन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होते हैं. मतलब एक इंटेलिजेंस इंक्लूड नहीं होती है कि सिर्फ इंटेलिजेंस है उसने सारे काम कर लिए. कुछ तत्वों को जोड़कर एक हमारा इंटेलिजेंस लेवल बनता है किसी भी व्यक्ति के दिमाग के अंदर, जिससे वो अपने सारे काम करता है. अब वो भाषागत हो सकता है, गणितीय हो सकता है, मैथमेटिकल, साइंटिफिक, और इस तरह से अलग अलग चीज़ें उन्होंने दी थी. तो अभी वो सारे टाइप डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट टाइप है भाषागत बुद्धि, भाषागत बुद्धि. इसके अंदर क्या कहा था गार्डनर जी ने, इसके अंदर बोला था कि बच्चे के अंदर जब कभी वो हिंदी की भाषाओं को समझने लगता है, छोटे छोटे वर्णों को जोड़ने लगता है, फिर जो वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने लगता है. पहले क्या होता है, जब बच्चा बिल्कुल कोरी स्लेट बोलते हैं ना हमारे साइकोलॉजी के अंदर, कोरी स्लेट मीन्स जिसको कुछ नहीं आता, मतलब बिल्कुल कोरी स्लेट है जिसको कुछ नहीं पता. तो लाइक इसीलिए जब बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता और वो स्कूल में आता है तो सबसे पहली शिक्षा तो उसकी घर से स्टार्ट होती है. फिर जब वो सेकेंडली स्कूल में आता है तो वहाँ पर वो कैसे सीखना शुरू करता है, पहले क ख ग लर्न करता है, क ख ग ये सारी चीज़ें लर्न करता है. फिर इसी से क्या है, शब्द बनाना सीखता है, जैसे आम, इसके अंदर दो वर्णों को ऐड करके उसको सिखाया जाता है कि आ प्लस म तो क्या बना, आम. ऐसे करके आपने देखा होगा, आपने भी खुद सीखा होगा, तो इस तरह से बनाया जाते हैं. तो जो वर्ण थे वो शब्दों में परिवर्तित हो जाते हैं, फिर शब्दों से वाक्यों में परिवर्तित हो जाते हैं, फिर ऐसे आ जाती हैं ये चीज़ें, रोहन आम खाता है, फिर ऐसे वाक्य परिवर्तित हो जाते हैं. जैसे जैसे बच्चे की इंटेलिजेंस लेवल इंक्रीज हो होता जाता है, क्लास बढ़ती जाती है, तो ये सारी चीज़ें क्या इंक्रीज़ होती जाती है कि पहले बच्चे को वर्ण सिखाए जाते हैं उसका भाषागत बुद्धि विकास करने के लिए, फिर उसको शब्द सिखाए जाते हैं, फिर उसको वाक्य परिवर्तन करने सिखाए जाते हैं, फिर उसके बाद क्या है, वो पूरे सेंटेंस के बाद पूरा पैराग्राफ लिखना सीखता है, उसको अपने हिसाब से बोलना सीखता है. फिर क्या होता है, धीरे धीरे, पहले तो हमें बच्चों को बताया जाता है कि क ख ग क्या होता है और कैसे उसके शब्द बनते हैं,
लेकिन जब बच्चे का भाषा का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, बच्चे को हमें कुछ भी बताना नहीं पड़ता है कि इस वाक्य को ऐसे बोलेंगे, इस वाक्य को ऐसे बोलेंगे। कभी देखा आपने कि कोई बच्चा उल्टा शब्द बोल दे या कुछ गलत बोल दे, वो छोटेपन में ही बोलता है। जब उसका भाषागत विकास नहीं होता है तो वो कोई भी चीज़ को गलत बोल देता है। अगर आप छोटे बच्चे को बताओगे ये आपके मॉम है, ये डैड है, पापा मामा चाचा, इस तरह से उनको बताते हो तो वो उस टाइम पे भी गलत बोल देते हैं, पापा को मामा बोल देते हैं, चाचा को फूफा बोल देते हैं, इस तरह की चीज़ें कर देते हैं। लेकिन जब वो बड़े होकर सीख जाते हैं, उनको पता है कि ये कौन है या इस शब्द को यही बोला जाता है, आम को वो आम ही बोलेगा, सेब नहीं बोलेगा। तो इसीलिए फर्स्ट उसमें दिया गया है कि भाषागत विकास होगा बच्चे का। सेकंड उन्होंने बोला है कि हमारी भाषागत बुद्धि के बाद हमारी बुद्धि किस रूप में विकसित होती है, उसके बाद होती है हमारी तार्किक व गणितीय बुद्धि। तार्किक और गणितीय बुद्धि के अंदर क्या बात रखी गई थी? तार्किक और गणितीय बुद्धि से मतलब है, फर्स्ट तो आपको समझ आ ही रहा है गणितीय मतलब वो गणित के कॉन्सेप्ट्स को हल कर सके, मैथमेटिकली चीज़ों को सॉल्व कर सके, उनको पता होना चाहिए कि प्लस माइनस क्या होते हैं। और तार्किक मतलब लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, मतलब वो किसी भी शब्द के बारे में सोच सकें, किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में विचार कर सकें। जैसे आपने देखे होंगे हमारे वैज्ञानिक होते हैं या बड़े बड़े लोग होते हैं जिनको हम न्यूज़ में देखते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, जो नोबेल पुरस्कार से विजेता होते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो इसके अंदर रखी जाती है कि उनकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर अपनी थिंकिंग, अपनी लॉजिकल थिंकिंग या अपने थॉट्स क्या है वहाँ पर रखते हैं। उनको ये नहीं कि रटी रटाई चीज़ें दे दी कि आपको ये चीज़ रटनी है, आपको ये चीज़ लर्न करनी है, वो इस टाइप के नहीं होते। वो ऐसे होते हैं कि उनको अगर एक कॉन्सेप्ट पता है तो उस पर अपनी लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ करते हुए बताते हैं कि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए और यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, जिससे उनकी जो बुद्धि है वो इस रूप में होनी चाहिए। तो हमारे गार्डनर जी क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर भाषागत बुद्धि होनी चाहिए, जिससे वो शब्दों को सीख सके और उनका प्रयोग कर सके। सेकंड कि लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, ताकि वो किसी भी कॉन्सेप्ट पे अपने विचार प्रस्तुत कर सके, अपने थॉट्स रख सके। ये नहीं कि सामने वाले ने आपको बोल दिया कि ये चीज़ अच्छी है तो आपने गर्दन हिला के हाँ बोल दिया कि हाँ यही चीज़ अच्छी है। आपको अपने थॉट्स भी तो रखने चाहिए कि ये चीज़ अच्छी है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ताकि पता चले कि हाँ आपका क्या कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में, आपकी क्या थिंकिंग है उसके बारे में। और गणितीय बुद्धि के बच्चे को या व्यक्ति को किसी को भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो अपनी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं अपने मैथ्स के अकॉर्डिंग उनका यूज़ करते हुए उनको हल कर सके। मतलब अगर वो कहीं मार्केट में जा रहा है, कोई भी चीज़ सामान खरीद रहा है, तो वहाँ पर क्या है मैथ्स का यूज़ होगा, वो शॉपकीपर को पैसे देगा, चेंज वापस लेगा, या फिर वहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन सॉल्व करेगा कि हाँ कितना मेरा हिसाब हुआ, कितना मुझे पैसे देने हैं, कितने मुझे वापस मिलेंगे, तो वो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर पाए। और थर्ड इसमें आता है, थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है देशिक बुद्धि। इसमें क्या है कि स्पिरिचुअली समझना है कि जो हमारा संसार है, जो हमारा संसार बना हुआ है, वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। उसमें आपको हर तरह की चीज़ मिलेगी, मतलब आपको जो प्रकृति है हमारी बनी हुई, वहाँ पे आपको भौतिक रूप से और पर्यावरण रूप से ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो उसको समझते हुए इस रूप में बच्चे को समझ आनी चाहिए, डिफाइन उसको होना चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा SST पढ़ता है, अपने जब हम 8th क्लास में होते हैं, 8th क्लास तक 10th क्लास तक SST पढ़ते हैं, तो बाद में सोशल साइंस ये बोलते हैं, तो उसमें क्या है कि बच्चे को वहाँ पे ये चीज़ें पता होना चाहिए कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो किन किन चीज़ों से घिरा हुआ है, मैप क्या होता है, और बारिश किस वजह से होती है, मौसम परिवर्तन किस वजह से होता है, और किसका कार्य क्या है, मतलब मूर्तिकार क्या बनाता है, मूर्तियाँ बनाता है, तो इस तरह से शिल्पकार क्या करता है, कोई व्यक्ति का ये काम है तो वो क्यों करता है, हमारे समाज में इस तरह के जो लोग हैं उनकी क्या स्थिति है, क्यों वो ये काम करते हैं, उसके क्या यूज़ हैं, उसके क्या डिसयूज़ हैं, ये सारी चीज़ें क्या है बच्चे को देशिक बुद्धि के अंदर पता होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है संगीतात्मक बुद्धि।
इसके बाद आता है फोर्थ हमारा संगीतात्मक बुद्धि यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इसके अंदर गार्डनर ने क्या बोला है कि हर बच्चे के अंदर हमें इस टाइप का जो इंटेलिजेंस है वो डेवलप करना चाहिए कि बच्चे को म्यूजिकली कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, मतलब सुर क्या होता है, लय क्या होती है, ताल क्या होती है, उससे कैसे हम यूज़ करके उन सब चीज़ों का यूज़ करके एक प्रॉपर सॉन्ग प्रिपेयर करते हैं। ये नहीं कि उसको आगे चल के सिंगर बनाना है, अगर उसका इंटरेस्ट डॉक्टर बनने में है तो आप उसको सिंगर कैसे बनाओगे, राइट। अगर बच्चे को म्यूजिकली हम नहीं कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और ऐसी अगर हम गणित के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करेंगे, साइंस के नहीं क्लियर करेंगे, तो बच्चा क्या है उसकी आईक्यू लेवल भी ज़ीरो ही माना जाएगा, क्योंकि बच्चे को ये कॉमन चीज़ें, कॉमन सेंस वाली बात है कि हाँ म्यूज़िक के अंदर ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं, साइंस के अंदर ये होते हैं, मैथ्स के अंदर ये होते हैं। अगर वो उसको ये चीज़ें हम इंडिविजुअली नहीं बताएंगे तो बच्चा क्या है उनको आपस में रिलेट कर देगा कि नहीं साइंस के अंदर ये होता है, मैथ्स की चीज़ें साइंस में डाल देगा, म्यूज़िक की चीज़ें मैथ्स में डाल देगा। तो इसीलिए बच्चे को संगीतात्मक बुद्धि भी देनी चाहिए, उसका डेवलपमेंट म्यूजिकली भी होना चाहिए कि बच्चे को सुर लय ताल का पता हो कि ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे म्यूज़िक से रिलेटेड हैं, और जो हमारे संगीतकारों के बारे में पता होना चाहिए, और जो भी रचयिता होते हैं, गायक होते हैं, पोएट्रीज लिखते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ये चीज़ें क्या हैं कि उसका अकेडमिक से अलग भी एक स्कॉलर डेवलपमेंट आप वहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है, हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है अब शारीरिक व गति संवेदिक बुद्धि यानी कि आपकी बॉडीली और काइनेटिक इंटेलिजेंस। इसके अंदर क्या बात है, इसके अंदर ये चीज़ बोली गई है कि बच्चे का केवल शारीरिक विकास नहीं करना, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट नहीं करना, फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ गति संवेदिक भी करना है, काइनेटिक भी करना है। मतलब बच्चे को इस रूप से बनाना है कि वो अपने हाथ पैर और इन सब का इस्तेमाल करते हुए कोई भी कार्य को कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बच्चे का फिज़िकल डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब उसका फिज़िकल डेवलपमेंट हो रहा है, उसके हाथ पैरों की हाइट बढ़ रही है, उसका दिमाग इतना स्टेबल हो रहा है कि वो हाँ किसी भी चीज़ को समझ सकता है, कॉन्सेप्ट्स को समझ सकता है, उसके प्रॉपर रूप से जो सब चीज़ें हमारे मूवमेंट्स हैं वो बच्चा कर रहा है, तो लेकिन उसको ये चीज़ें भी पता होना चाहिए कि इन सब चीज़ों का यूज़ करते हुए बाकी सारी चीज़ें कैसे करनी है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, जो एक धावक होता है, मतलब एथलीट होता है, तो वो क्या करता है जब रनिंग करता है तो वो सारी चीज़ों का यूज़ करता है ना, भागते हुए ऐसा तो नहीं है अपने हाथ ऐसे सावधान करके बिल्कुल भागता चला जाता है, नहीं ना, एक पोजीशन होती है भागने की, तो वो क्या है अपने पैरों का, हाथों का और गर्दन का, अपने बैक का पूरा यूज़ करते हुए वो रनिंग करता है। तो और जो डांसर है, डांसर भी ऐसा नहीं है कि मेरा अब शारीरिक विकास हो गया तो मैं एक खड़ा होकर एक जगह खड़ी होकर डांस करती रहूँ, नहीं ना, सब चीज़ों की यूज़ करते हुए मैं अपने फिज़िकल मूवमेंट्स को करते हुए डांस करूँगी, ठीक है। तो उसमें सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, हमारे हाथ पैर हिलते हैं, गर्दन हिलती है, मूवमेंट होती हैं, कमर हिलती है, तो वहाँ पे क्या है कि बच्चों को शारीरिक रूप का तो उनका विकास करना ही है, लेकिन उनको आपस में कोरिलेट करके बाकी चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए कि जो हम बाकी चीज़ें करते हैं उनको कैसे आपस में रिलेशन बना के उनको यूज़ करते हैं, कि आप कोई भी चीज़ रनिंग कर रहे हैं तो किस रूप में करनी चाहिए आपको, उनको मूवमेंट पता होनी चाहिए, पोजिशंस पता होने चाहिए, तो वो चीज़ इसके अंदर आती है। उसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ पॉइंट है हमारा अंतर्व्यक्तित्व अन्य बुद्धि यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को, इमोशंस को, फीलिंग्स को समझते हुए उसके साथ रिलेशन बनाते हैं। जैसे आपको पता होगा कि छोटे बच्चे आते हैं, आपके भी फ्रेंड सर्कल है, आपकी सोसाइटी है, फैमिली है, तो उनके साथ भी क्या है आप किसी न किसी टाइप के रिलेशन में बंधे हुए हैं, किसी के साथ फ्रेंडशिप के रिलेशन में होंगे, किसी के साथ लवर के रिलेशनशिप में होंगे, किसी के साथ आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में होंगे, तो वहाँ पे क्या है आप एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग मैच करती है, वहाँ पे फीलिंग्स को समझते हैं, इमोशंस को समझते हैं, तब वहाँ पे एक जो हमारा रिलेशन है वो बनता है। तो इसीलिए
गार्डनर ने कहा है कि अंतर्व्यक्ति और अन्य बुद्धि यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर बच्चों को इस काबिल बनाया जा सके कि वो दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करे, उनको समझे, उनके साथ जो रिलेशन है वो स्थापित करे। और जैसे इस तरह से रखे, जैसे हमारे मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि आप जब उनके पास काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो वो भी क्या है, आपको समझते हैं, आपकी फीलिंग्स समझते हैं, वहाँ पे आपसे बातचीत के द्वारा वो चीज़ें निकलवाते हैं कि आपको जिस टाइप की प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है उसके बारे में वो जानते हैं, तभी वो आपके प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जो हमें गाइडेंस दे रहा है, प्रॉपर गाइड कर रहा है, जो हमारा फिलोसफर है, साइकोलॉजिस्ट है, वो ये इस टाइप के चीज़ का यूज़ करते हैं कि बच्चे को इस तरह से स्थापित करते हैं कि ये सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए कि किसी के साथ कैसे रिलेशन बनाने हैं, आपको किस टाइम पे क्या व्यवहार करना है, किस टाइम पे क्या बात करनी है, और आपको कहाँ पे किसके साथ पर्सनल होना है, कहाँ पर्सनल नहीं होना है, और आगे चल के आप इसको वोकेशनली यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको आप कोई काउंसलिंग किसी की कर सकते हैं, आप फिलोसफर बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, किसी को गाइड कर सकते हैं प्रॉपर। तो अगर ये वैल्यूज़ आपके अंदर डेवलप हो जाती हैं तो आप इसको प्रॉपर आगे अपने वोकेशनली में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चे के अंदर इस टाइप की बुद्धि का भी विकास होना चाहिए। इसके बाद हमारा आता है सेवन पॉइंट है हमारा अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, यानी कि इंट्रा इंटेलिजेंस। ठीक है, फर्स्ट हमारा था इंट्रापर्सनल और ये है इंट्रा इंटेलिजेंस। इसके अंदर क्या बोला गया है कि इसके अंदर बच्चों को अपनी कमजोरियों का पता होना चाहिए, अपनी वीकनेस पॉइंट, जो हमारे वीक पॉइंट होते हैं सबके अंदर होते हैं ये, कि जैसे आपके अंदर वी पॉजिटिव पॉइंट्स है तो कुछ नेगेटिव भी होंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो कुछ आपकी वीकनेस भी होगी। अगर आपको अपने वीक पॉइंट पता है तो आप उस पर क्या है, खुद काम कर सकते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग पॉइंट में डेवलप कर सकते हैं कि आपको कोई भी वीक पॉइंट ना रहे, या फिर इस रूप से कि आपको अगर कोई वीक पॉइंट है तो वो आप किसी से कहाँ पे कब शेयर करना है वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है ना, हर टाइप के लोग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि आपके वीक पॉइंट जानते हुए आपको उनको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके वो उन वीक पॉइंट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं, या फिर आपसे किसी भी टाइप का गलत काम करवा सकते हैं, आपके वीकनेस का फ़ायदा उठा लेंगे वो। तो इसीलिए आपको अपने वीक पॉइंट्स पता होने चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमज़ोरियाँ हैं, क्या गलतियाँ हैं, उन पर काम करते हुए आपको बाकी लोगों से रिलेशंस बनाने हैं, ताकि आप वहाँ पे अपने समाज में अपना समायोजन यानी कि अपना जो एडजस्टमेंट है वो प्रॉपर रूप से कर सके। लेकिन अगर आपको कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने वीक पॉइंट की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, लाइक अगर मान लीजिए किसी का फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की शादी हुई है, किसी रीज़न से उनका डिवोर्स हो जाता है या वो अलग हो जाते हैं या कुछ ऐसे, तो वो क्या करते हैं वहाँ पे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करते या मूव ऑन नहीं करते वहाँ पे, वो क्या डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं, फिर उनकी फैमिलीज़ उनको ताने मारती हैं या उनके फ्रेंड सर्कल वाले उनको टोन मारते हैं। तो उससे क्या है, वो इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि वो किसी भी रूप में आगे बढ़ ही नहीं पाता, अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, बात नहीं करता है और फिजिकली मेंटली बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए वो जो आपका वीक पॉइंट है, आप उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करिए कि आपका ठीक है, इस टाइप से हो गया, इट्स अ लाइफ, हर तरह की सिचुएशन आती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो यू टेक अ टाइम लो, लेकिन उस चीज़ पे रुको मत, वहाँ पे सीमित मत हो जाओ, मूव ऑन करने के लिए ट्राई करो कि आपको आगे कुछ अच्छा करना है लाइफ में, इससे भी और अच्छी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। ये नहीं कि शादी ख़राब हो गई तो आप वहीं पे रुक के बैठ जाओ, नहीं, ज़रूरी थोड़ी है, वो आपका ठीक है, पर्सनल है, वो ख़राब हो गया कोई बात नहीं, आप उसको अपना अकेडमिकली या अपने करियर पर फोकस कर सकते हो, वहाँ पर बहुत अच्छा कर सकते हो। तो इसीलिए वहाँ पर क्या बोला है इस वाले पॉइंट में, पॉइंट में, कि आप अपनी वीकनेस और कमजोरियों का पता लगाओ और उनको उनके ऊपर काम करने की कोशिश करो, जिससे आप हमारे समाज में समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट प्रॉपर रूप से कर सको। ओके, अब ये 7 पॉइंट डिस्कस हो गए हैं हमारे इंटेलिजेंस में। ही पहले बोला था कि 7 इंटेलिजेंस है, यानी कि 7 पॉइंट है। ओके, लेकिन गार्डनर जी ने इसके बाद 2 पॉइंट्स और ऐड किए थे, वो किस रूप में ऐड किए थे वो मैं आपको बता देती हूँ।
1998 में इन्होंने एक और रूप ऐड किया था, वो था प्रकृतिवादी बुद्धि। ये हमारा 8th पॉइंट है 1998 में, ये लर्न कर लेना प्लीज़, क्योंकि गार्डनर जी के ये जो 7 पॉइंट्स हैं ये तो पूछ ही लेते हैं, लेकिन इससे अलग थोड़ा पेपर टफ करने के लिए वो डायरेक्ट ये पूछ लेते हैं कि जो गार्डनर जी के अकॉर्डिंग 2 जो इंटेलिजेंस थे वो बाद में जो ऐड किए गए थे वो कब ऐड किए गए थे और कौन कौन से इंटेलिजेंस थे। तो एक था हमारा प्रकृतिवादी बुद्धि, इसके अंदर बताया गया था कि बच्चे को अपनी प्रकृति और वातावरण के बारे में ज्ञान होना चाहिए प्रॉपर, जिससे वो अपने आपको उसमें ढाल सके या अपने सोसाइटी से एडजस्ट कर सके, अपनी फैमिली को समझ सके, अपनी सोशल लाइफ को समझ सके कि उसको इसी समाज में रहना है, इसी के लिए काम करना है, यही सारी चीज़ें करनी है। ये नहीं कि वो इनसे अलग होकर कोई काम करे और कुछ गलत रास्ते पर चला जाए, ठीक है। तो ये प्रकृतिवादी बुद्धि हमारी 1998 में दी गई थी। इसके बाद 2000 में एक और इन्होंने दिया था संशोधन करके, इसमें 2000 में एक और दिया था इन्होंने, वो था हमारा, ये हमारा लास्ट है 19, ये 7 मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, 8 हमारा 1998 में प्रकृतिवादी बुद्धि के बाद जो दिया गया था इंटेलिजेंस, एनवायरमेंटल इंटेलिजेंस। उसके बाद 2000 में एक और दिया गया था अस्तित्ववादी बुद्धि, इसके अंदर क्या कहा गया था कि मनुष्य को यानी कि व्यक्ति को जो छुपे हुए रहस्य और जानकारी होती है ना, मिस्ट्रीज और ये सब, उसके बारे में उत्सुकता होनी चाहिए जानने के लिए। जैसे हम कुछ लोग बिलीव नहीं करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, जैसे भूत प्रेत होते हैं, कोई बिलीव करता है, बहुत ज़्यादा बिलीव करता है कि हाँ भूत प्रेत होते हैं और ये सारी चीज़ें जो हॉरर स्टोरीज होती हैं, जो पुरानी कहानियाँ हैं वो हैं, या फिर बोलते हैं महाभारत है तो वो जैसे युद्ध लड़ा गया था तो उसके जो रहस्य हैं वो आज भी हैं और पॉइंट्स लेकर आते हैं, वहाँ की धरती आज भी लाल है, किस वजह से है लोगों को ये नहीं पता, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि हाँ कि वहाँ जहाँ पे कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था तो वहाँ की भूमि आज भी लाल है, वो क्यों है, तो उसके पीछे एक साइंटिफिक मेथड है कि क्यों है। लेकिन जो लोग इन पे बिलीव करते हैं, जो अस्तित्ववादी बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस रखते हैं, वो आपको आंसर क्या करेंगे, वो ये कहेंगे कि वहाँ पे कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, इसीलिए वहाँ पे इतने लोगों का खून बहा था, इसीलिए वहाँ की जो ज़मीन है वो आज भी लाल है। लेकिन वहाँ पे ये नहीं, आपको पता है ना हमारी जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वो कितने टाइप की होती है, उसमें काली मिट्टी भी होती है, लाल मिट्टी भी होती है, तो ये साइंटिफिकली है, साइंटिफिक मेथड है कि वहाँ पे लाल मिट्टी होने का ये कारण है, वहाँ पे ये नहीं कारण कि वहाँ पे अस्तित्ववादी बुद्धि नहीं है कि वहाँ पे लोगों का खून बहता, कुरुक्षेत्र में महाभारत छिड़ा था, लड़ाई हुई थी, तो वो चीज़ है। तो इसीलिए इस टाइप की बुद्धि भी होनी चाहिए बच्चे के अंदर, व्यक्ति के अंदर, कि वो इन सब चीज़ों की खोज कर सके, लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो पूरी तरह से इसमें मतलब बिल्कुल इंक्लूड हो जाए या डूब जाए, ताकि उसको जो ये साइंटिफिकली मेथड्स हैं या बाकी जो आप अपनी रियल लाइफ में जी रहे हैं उससे हट ही जाए कि हाँ भूत प्रेतों में ही लग जाए, तब बाबा तांत्रों में लग जाए, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए अस्तित्ववादी बुद्धि के अंदर यही चीज़ बोली गई थी कि रहस्यों को खोजना, पुरानी जो हमारी हिस्ट्री है, इतिहास है, उनके बारे में जानना, इस टाइप से बच्चे की इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि वो इन सारी चीज़ों के बारे में जाने पहचाने और अपनी इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट और आगे तक करे। ओके, अब इसके अंदर टोटल मैंने आपको 9 पॉइंट्स बता दिए हैं, ये वाले 2 पॉइंट्स हमारे बाद में ऐड किए गए थे, मल्टीपल 7 इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है, आपके गार्डनर जी ने दी है, और मल्टी थ्योरी आपकी थ्रॉनडाइक ने दी है, जो मैं इससे पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ। ओके, ये वाली आपकी यहीं पे फिनिश होती है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट थ्योरी के साथ आपके साथ प्रेजेंट हो जाऊँगी, अभी इसमें आई थिंक 1 या 2 थ्योरीज रहती हैं, और सारी वीडियोस मेरी आपको यहीं पे मिल जाएंगी, और KVS PGT के लिए आपको जो कोर्स चाहिए स्टडी मटीरियल, तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए फॉर योर नोटिफिकेशन।